मैं हूं लवलेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आस गुरु। और आज हम बताएंगे किसका तिलक करने से आपको सबसे ज्यादा सफलता मिलेगी और कैसे लोग पहले सफल होते थे, किस चीज का तिलक करते थे। तो उसको जानने से पहले मैं सभी से कहूंगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, लाइक करके जरूर जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही और वीडियोज के लिए। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो अधिकतर आपने देखा होगा कि आज की डेट में हमारे कार्य सफल नहीं होते हैं, नौकरी या जॉब इंटरव्यू कुछ भी देने जाते हैं, कोई बिजनेस डील करते हैं तो बहुत ज़्यादा फेल हो रही हैं और आपको बरकत नहीं मिलती है, आपका पैसा टिकता नहीं है। आप घर से जाते हैं, माने जीवन चलिए आप कोई भी कार्य पर जाते हैं तो आपको सफलता का परसेंटेज बहुत कम होता है। तो उसके लिए आज मैं बता रहा हूँ आपको तिलक करने का। जी हाँ, माथे पर जो बीच का स्थान होता है यहाँ पर तिलक करने का। अब आप कहेंगे हम तिलक किस चीज़ का करें, तो तिलक किसी भी चीज़ का किया जा सकता है। जैसे इसमें चंदन का तिलक सबसे उत्तम बताया हुआ है। चंदन यदि आप तिलक करते हैं तो काफी ज्यादा बेनिफिट्स होगा आपको, आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे और सामने वाले पे पॉजिटिव एनर्जी का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये जो तिलक होते हैं वो आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं। इसलिए महिलाओं को कुमकुम की या रोली का तिलक करना बताया, उससे उनमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। और आप यदि ऐसी जगह पर जहाँ आप तिलक नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है हमें ऑड फील होता है, तो उस जगह पर आप कर सकते हैं पानी का तिलक। जी हाँ, स्वच्छ पानी का तिलक भी आप किया जा सकता है। रामायण में जब आपने देखा होगा विभीषण का किया गया था, जो राज तिलक किया था रामचंद्र जी ने, तो उसमें पानी का ही तिलक किया था। तो पानी के तिलक का ही विधान है। यदि आप ऐसी BPO सर्विस है, जॉब है, बैंक है, ऐसी जगह है जहाँ आपको नहीं कर सकते कुमकुम का, चंदन का तिलक, तो वहाँ आप सुबह से पानी का तिलक करके जरूर सुबह से घर से निकलें, तो आपको देखना कुछ ही दिन में विशेष बेनिफिट होगा। और यदि आपके पास यदि व्यवस्था है तो यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो चंदन का तिलक जरूर करें। कुमकुम आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगी इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। चंदन का और हल्दी, यदि आपके घर की पिसी हुई हल्दी है तो उसका तिलक जरूर करें। चंदन, हल्दी, कुमकुम, इन तीनों तिलक, यदि हल्दी और चंदन का तिलक करते हैं तो आपके गुरु हमेशा प्रसन्न रहते हैं और आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा वीडियोस, तो शेयर करें आप ऐसे ही अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जो आपके नियरेस्ट हों और जिनको ये वीडियो काम में जाए। तो मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।